मंच के साथ पूरे सदन की उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। मित्रों, सभ्यता के निर्माण एवं साहित्य की राह में अपने पद चिन्हों की अमिट रेखाएं खींचकर श्रद्धेय रूपेश जी जैसे गीत ऋषि जब अंतर्ध्यान होते हैं तो अपने साहित्य की ये विरासत अपने वारिसों के कंधों पर सौंपते जाते हैं। हम सभी लोग वारिस हैं इस साझा विरासत के। हमारा दायित्व तो है कि हम उनकी इस विरासत के संरक्षण संवर्धन में कहीं भी पीछे ना हटें, क्योंकि मित्रों आज पूंजी और व्यापार के वर्चस्व वाले इस दौर में कविता अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रही है। दादा, हिंदी मंचों के कुछ कवि बेशक अपनी दुनिया में अपने को महान और श्रेष्ठ समझने लगे हो, लेकिन असली श्रोता उनसे बहुत दूर चला गया है। आज सुबह डॉक्टर राजीव राज की एक पोस्ट ने मुझे हिला के रख दिया। मित्रों, तब मैं कह रहा हूं कि आज मंच की कविता और कविता के मंच दोनों ही अपनी खुददारी के बियाबान में बिलाप कर रहे हैं, आंसू बह रहे हैं। क्यों दादा, पढ़ रहा हूं, क्यों हो रहा है ऐसा कि अब मंचों पर जमघट होता संयोजन करने वालों का, अब मंचों पर जमघट होता संयोजन करने वालों का, उससे ज्यादा बुरा हाल आयोजन करने वालों का। प्रस्तावों की टेक लिए कुछ अवलंबित अनुमोदन है, पूरब पश्चिम कुछ भी कह दे नौ युग के संशोधन है, इधर उधर से तोड़ डालियां कृत्रिम बाग उगाते हैं और सुखद सलोनी हरी भरी कृषि का जड़ मूल लड़ाते हैं। अरे ठहरे, जिसमें चित्र कोई बोधर पर दिखलाते हैं, कुछ तो कविता के स्वरूप को नंगा ही कर जाते हैं। मौका चूक नहीं सकते सामायिक अवसरवादी है, अपनी ही प्रतिभा का प्रदर्शन करने के आदि है। शब्दों के जादूगर होते भाषा होती मजी हुई, विषय वस्तु इनके ओठों पर पहले से ही सजी हुई। कोई तो बातों ही बातों सांपों को अंधा कर दे और आसमान में छेद बनाकर फिर उसमें फंदा भर दे। अरे अपनी पर यदि आ जाए तो आग लगा दे पानी में, और अगर ठान ले नाव चला दे धरती रेगिस्तानी में। वक्त हुकूमत इल्म जंग के दाव पेच सब हाथ में, आदरणीय संजय जी कि वक्त हुकूमत इल्म जंग के दाव पेच सब हाथ में, और परामर्श के खम्भे रहते हरदम इनके साथ में। गीत छंद और कविताएं झुककर अभिनंदन करती हैं, काव्य कला की सभी विधाएं इनका वंदन करती हैं। क्या मजाल इनकी बेमर्जी से पत्ता भी हिल जाए और किस पर अंगारे बरसा दे किसको रहमत मिल जाए। अरे ज्यों का त्यों इनको पढ़ने में दिव्य दृष्टि बिहारी है, और धन धन युग के संशोधन महिमा आज तुम्हारी है, धन धन युग के संशोधन महिमा आज तुम्हारी है। मित्रों, बड़े सौभाग्य की बात है कि मेरे बड़े भाई आदरणीय रविंद्र शर्मा जी इस मंच पर बैठे हुए हैं, जिनकी जूतियों के पास बैठकर मैंने गीत लिखे हैं। मित्रों, जिन्होंने साहित्य का संस्कार दिया है मुझे कविता का, आज उन्हीं की ताकत पे ये पढ़ रहा हूँ। तब मैं कहता हूँ कि तभी लेखनी प्रतिबंधों से ऐसे नाते जोड़ रही, चिंतन के अनुबंधों से सारे ही रिश्ते छोड़ रही। अरे सुगर तराने लिखने वाले मंचों को मोहताज यहाँ, गीत गला सरगम के माहिर मंचों के सरताज यहाँ। आपाधापी का आलम है मंचों की मजबूरी है, और सच्चाई और संकल्पों से आज कलम की दूरी है। अरे माँ बाणी तेरे बेटों में मायूसी लाचारी है, कुछ भी नगद नहीं मिलता है सारी कलम उधारी है, कुछ भी नगद नहीं मिलता है सारी कलम उधारी है। कलम उधारी है का जवाब नहीं, और सिर्फ मंच से लफाजी करना कविता का सार नहीं, और चिल्ला कर ताली बजवाना भी कोई आधार नहीं। शोले कैसे दहकेंगे जब अंगारों में आग नहीं,
और हमारी नैतिकता का दमन ही बेदाग नहीं। कल घायल न करे साथियों हम अपनी खुददारी का और पंच निराला के परपाती दिनकर की दमदारी का। अरे कविता तो पावन होती है जैसी पावन गंगा है, और जो हाथों में कलम थमी है वो ध्वज राष्ट्रंगा है। जो हाथों में कलम थमी है वो ध्वज राष्ट्रंगा है। जो हाथों में कलम थमी है वो। हम कभी कभी डॉक्टर राजीव जी आपने जो फेस डाला है हम अक्सर कर फेसबुक पर देखते हैं, लोग लिखते हैं हास्य कवि सम्मेलन। क्या होता है हास्य कवि सम्मेलन? आपको लिखना चाहिए लाफ्टर शो। कभी हास्य के नहीं होते यार? हाँ होते हैं, हंसना कोई बुरा नहीं है मित्रों, हम भी बुरा नहीं मानते, हम भी खूब हंसते हैं। बिकल दादा बिकल जालौनी ने लिखा है, जो नीलम जी के पिताजी हैं उन्होंने चार लाइनें लिखी हैं कि हास्य पर खुलकर हंसो ये क्या बुरा है, हास्य पर खुलकर हंसो तो क्या बुरा है, पर नंगपन पर हंस रहे हो ये बुरा है। तब मैं कह रहा हूं कि हसो हसाओ खुल करके हमको भी लगता बुरा नहीं, अमृत बाटो पी लेंगे ये लेकिन गंदी सुरा नहीं। टेढ़े मेढ़े दर्पण लेकर अगर इन्हें दिखलाओगे, शब्द उड़ा करके बमूल को चंदन नगर बताओगे, तो समदर्शी नहीं कि एक फुहरता पर चुप रह जाएं और माँ बाणी को घायल कर दे उन बालों को सजाएं। अरे हसी ठिटोली की भी एक सीमा सीमा है, मर्यादा है, और शैली का कुछ दोष नहीं है, दोष हमारा ज्यादा है। शैली का कुछ दोष नहीं है, दोष हमारा ज्यादा है। अरे मान रहे सबका बकला के हम निर्बाध पुजारी हैं, अरे मान रहे सबका बकला के हम निर्बाध पुजारी हैं। कंठ स्वरों में गंधर्वों के कद से ज्यादा भारी है, किंतु आज हमने मर्यादा को घुंघरू पहनाई है, मंदिर की देवी ही हमने खुलकर आज नचाई है। अरे झोंक रहे हैं धूलाक में फिर भी नहीं अघाते हैं, और माँ बाणी के मंदिर में क्यों धूल उड़ाने आते हैं। अरे मानवता के प्रतिकूलों से लड़ना कुछ तो जाने हम, और भला बुरा क्या होता है कम से कम ये पहचाने हम, भला बुरा क्या होता है कम से कम ये पहचाने हम। केवल बरस रहे सागर पर मरुस्थलों का ध्यान नहीं, अंतिम पढ़ रहा हूं मित्रों कि केवल बरस रहे सागर पर मरुस्थलों का ध्यान नहीं, हर रेखा प्रतिकूल मापते पैमानों का ज्ञान नहीं। नए उजालों से चिड़के सी प्यार हमें अंधियारों से, रूढ़वाद के घोर विरोधी कुड़ते नए विचारों से, इसीलिए शायद हमने कविता के मानक बदले हैं। और तुलसी सूर कबीर आदि कुचले हैं। अरे सचमुच ऊंचे कलमकार हो ठीक समय पहचाना है, और हमने तो शायद कविता को कठपुतली भर माना है, हमने तो शायद कविता को कठपुतली। और मित्रों अंत में चार पंक्तियां देना चाह रहा हूं, इतना मतलब मैं कोई बहुत बड़ा कवि नहीं हूं, बड़ा समृद्ध मंच है, सिर्फ भी नहीं रखता हूं कि किसी प्रकार का कोई संदेश दूं, लेकिन आदरणीय संजय जी एक दायित्व सौंप रहा हूं, क्योंकि आप बड़े नामचीन लोग बैठे हैं, एक छोटा भाई आप लोगों को दायित्व सौंप रहा है के गीतों का हो दरबार, गीत ऋषि बैठे हो तो गीतों वाले मानकों का ध्यान होना चाहिए। वो गीतों के गगन में जो मेघ छाए भ्रांतियों के, कैसे हो निदान ये विधान होना चाहिए, कि लेखनी करे बखानो भाषा शिल्प का बयान अतुलित विपुल महान होना चाहिए। और खो न जाए इसके वजूद के लिए भी एक नूतन हमारा अभियान अच्छे महेश दादा बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार, एक बार जोरदार तालियां आप लोग और बजा दीजिए। निश्चित रूप से सार्थक कविता और कविता की परिभाषा करने की कोशिश, इसको मैं कविता नहीं कहता हूँ, दरअसल सच्चाई ये है कि इन्होंने ये कह